करिएगा, 1:30 से कल डोर क्लोज हो जाएंगे। कंपनीज एक्ट 2013 का जो हम देख रहे थे, यानी एक बेसिक बात हमने इसकी देख ली कि कंपनीज एक्ट 2013 की एप्लीकेबिलिटी जो भी इस एक्ट में रजिस्टर्ड है उन पे हो गई। तीन स्पेशल कंपनियों पे भी होगा, बैंकिंग, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइडेड द प्रोविजंस आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद देयर पर्सनल एक्ट। फिर उसके बाद कोई भी स्पेशल एक्ट जिन कंपनियों के लिए बना गया है, मतलब उनके लिए खुद के, कई कंपनियां इतनी बड़ी होती है जिनके लिए खुद के लिए अलग से कानून बनता है, जैसे कि LIC, UTI, तो उनपे भी कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा। यानी कुल मिला के कंपनीज एक्ट 2013 सारी कंपनियों पे एप्लीकेबल है। अब कौन सी बात मानना नहीं मानना, जब इनकंसिस्टेंसी आएगी तो वो देखेंगे, वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन एक्ट तो एप्लीकेबल करे। क्योंकि अगर एक्ट ही एप्लीकेबल नहीं हुआ और वो सारी कंपनियां कंपनीज एक्ट से बाहर हो गई, तो वो तो 470 काम करने से बच जाएंगी और बोलेंगे नहीं हमको तो करना ही नहीं है, या हमारे पे तो एक्ट ही एप्लीकेबल नहीं होता। करेक्ट। तो इसलिए सबसे पहला प्रोविजन यही रहता है अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। तो सेक्शन वन ने इस सवाल का जवाब दे दिया कि कंपनीज एक्ट 2013 सभी प्रकार की कंपनियों पे एप्लीकेबल होता है। करेक्ट। तो इस प्रकार से दिस वाज अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। तो अब आप अपनी ऑफिस में बैठ चुके हैं, वो दिन भी आ चुका जब आप चार्टेड अकाउंटेंट बन चुके हैं आज से 2 साल बाद, और 2.5 साल 3 साल बेस्ड ऑन योर क्वालिटी, योर एफिशिएंसी, योर लर्निंग कैपेसिटी, योर अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, 2.5 साल में बन सकते हैं आप। करेक्ट। तो ठीक है, अभी आपके लिए खोज का विषय रहेगा 2.5 साल में कैसे सीए बने, बट बन सकते हैं। चलो, तो अब अभी उसको छोड़ो, मैटर उसका नहीं है, अभी बात है आप ऑफिस में बैठ चुके हैं। तो जब आप अपनी ऑफिस में बैठे हैं तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे अब इधर आप सीए बने, उधर आपका एक फ्रेंड कुछ और बिजनेसमैन या बना, इंजीनियर विंजीनियर बना। करेक्ट। तो अब वो आपके पास आ रहा है, आपने तो अपनी ऑफिस चालू कर ली, अब वो आपसे सलाह मांगने आ रहा है कि भैया क्या काम करें। बोले इंजीनियर तू बना है, काम मेरे से पूछ रहा है क्या काम करें। बोले बट नहीं, किस तरीके से काम करें पहले ये तो बताओ, विच फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो क्या किया था आपने, क्या BCK में भी डे वन चालू कर दिया था कि उसको बताना, हाँ एक काम कर, सोल प्रोप्राइटर बना ले, पार्टनरशिप बना ले, कंपनी बना ले। पहले उसे उसकी रिक्वायरमेंट पूछी थी ना, तब जाके हमारी BCK की क्लास चालू हुई थी। करेक्ट। कि पहले उसका इंफॉर्मेशन जाना, वो कितना तैयार। लेकिन अब यहां हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, तो हमें तो उससे एग्री करवाना है कि कंपनीज बनाओ, और उसको आप BCK में यही टॉपिक पूरा समझा चुके थे उसी फ्रेंड को आप, कि भैया कौन से चीज बनाने में क्या फायदे नुकसान है। अब वो भूल गया, BCK की पहली क्लास थी ना, अभी तक याद थोड़ी रहेगा, वो भूल गया कि भैया कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या फायदा होता है। फिर आपसे पूछ डाला वही सवाल कि भैया मतलब क्या फायदा, क्या है क्या फायदा है, क्यों बनाऊं मैं कंपनी, सोल प्रोप्राइटर इतना अच्छा है, कंपनी आखिर बनाऊं क्यों। और जब बार बार वही सवाल पूछा, अब आपका भी दिमाग खराब हो गया और आपने उसको ऐसा जोर का झापड़ मारा, ऐसा स्लैप मारा उसको कि इट बिकेम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी। यानी अल्टीमेटली अब इसके बाद वो कभी भी कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक भूल नहीं सकता। तो उसको कैरेक्टरिस्टिक के लिए आपने सबसे पहले क्या समझाया, वो बोला क्यों मारा मेरे को, बोले मारा नहीं तेरे को, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी समझा रहा हूं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरा फीचर, लिमिटेड लाइबिलिटी। तीसरा फीचर, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। चौथा कैरेक्टरिस्टिक, परपेचुअल सक्सेशन। बोले कुछ याद आया तेरे को, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी है। बोले बहुत जल्दी याद आया मेरे को। तो मीनिंग देयर बाय, सबसे पहला सेपरेट लीगल एंटिटी। तो जब सेपरेट लीगल एंटिटी की बात हुई, बोले इसका मतलब क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स वॉट। तो आज हम जानते हैं कि अगर कंपनी बनाते हैं तो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी एज कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज दैट इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। यानी दोनों अलग अलग है, कौन दोनों अलग अलग है, कंपनी और उसके मालिक।
किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस में अभी तक मालिक और बिजनेस को अलग अलग नहीं किया गया था। अगेन मैं बता रहा हूं, अकाउंटिंग के लिए आपने अलग अलग किया था, लेकिन रियलिटी में कोई अलग थोड़ी होता था। सोल प्रोप्राइटर और उसका मालिक क्या अलग होता था क्या? पार्टनरशिप और उसके पार्टनर्स अलग होते थे क्या? एचईएफ और उसके मेंबर्स अलग होते थे क्या? तो ये सब अलग नहीं होते थे। और जब अलग नहीं होते थे तो इसका मतलब याद करिए, वही बैंक का लोन। तो बैंक का लोन अगर किसी एक ने लिया तो भी दूसरे का घर बिक सकता था, वो रिस्क इन्वॉल्व था। तो अल्टीमेटली क्योंकि लोग अलग अलग नहीं थे, तो कंपनी बनाने का सबसे पहला फायदा क्या है कि यू विल हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कंपनी अलग रहेगी और उसके मेंबर्स अलग रहेंगे। और जब अलग अलग रहेंगे तो कोई भी व्यक्ति दूसरे के काम के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। तो आज रिलायंस जैसी कंपनी जिसके लाखों शेयर होल्डर्स हैं, जो उसके मालिक हैं, अब उसका एक कोई शेयर होल्डर मान लीजिए कोई ऐसा होगा जो इलीगल एक्टिविटी करता होगा, तो आज वो एक शेयर होल्डर जिसके पास मात्र रिलायंस का एक शेयर है, उसने रिलायंस का एक शेयर लेकर रखा हुआ है और वो इलीगल एक्टिविटी कर रहा है। अब पुलिस को ये बात पता चली तो उसको तो अंदर किया किया, फिर आके रिलायंस को बोलते हैं कि अपना बिजनेस बंद करो क्योंकि तुम्हारा मालिक जो है वो इलीगल एक्टिविटी कर रहा है। बोले हमारा मालिक कौन है? हमारा मालिक तो बोले जो इसने तुम्हारे कंपनी के शेयर लिए हैं, शेयर होल्डर तो मालिक होते हैं। तो अब क्योंकि तुम्हारा मालिक इलीगल इसलिए तुम भी इलीगल, अपना बिजनेस बंद करो। तो क्या रिलायंस, सवाल ये उठने लगा, क्या रिलायंस वो एक व्यक्ति जो इलीगल एक्टिविटी कर रहा है उसके लिए रिलायंस का बिजनेस बंद हो जाएगा? द आंसर इज नो। रिलायंस एक ही चीज बोलेगा, भैया सेपरेट लीगल एंटिटी, आपने सुना है कि नहीं सुना है? सेपरेट लीगल एंटिटी के हिसाब से कंपनी अलग है और उसके मालिक अलग है। मालिक के काम के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी, कंपनी के काम के लिए मालिक जिम्मेदार नहीं होगा। क्योंकि यही सिनेरियो कल को उल्टा भी हो सकता था, जब रिलायंस ने बैंक से 10 करोड़ का लोन लिया था, और जब 10 करोड़ का लोन लिया तो वही एक शेयर होल्डर जिसके पास एक शेयर था वो सबको यही बोलता फिर रहा था मैं मालिक हूं मालिक हूं, और उसके बाद बैंक को पता चला कौन है मालिक, पहुंचा उसके घर घर बेचने के लिए। लेकिन फिर वो शेयर होल्डर ने भी क्या बोला, भैया ये कंसेप्ट आपको नहीं पता क्या कंपनी के बारे में, सेपरेट लीगल एंटिटी? यानी आज यही वो कंसेप्ट है जो आपका घर बिकने से बचा सकता है, क्यों? बिजनेस का काम अलग और पर्सनल काम अलग, दोनों एक दूसरे के लिए कभी भी जिम्मेदार नहीं होंगे। तो ये एक खूबी है। ये खूबी क्या सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप या एचईएफ वगैरह में देखने को मिलती है? नहीं मिलती। अब जो एलएलपी है वो यूं समझिए कंपनी का ही छोटा बच्चा है, तो कंपनी का छोटा बच्चा है इसलिए एलएलपी में ऐसी खूबियां रहेंगी, बट हम अभी इसको ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बिजनेस से कंपेयर कर रहे हैं। तो इसलिए सेपरेट लीगल एंटिटी अगर आप कंपनी बनाएंगे तो ये इसकी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक रहेगी ओवर एंड अबव द सोल प्रोप्राइटर एचईएफ फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक हुआ जहां पे कंपनी और उसके मेंबर्स अलग होते हैं। सेकेंड, लिमिटेड लाइबिलिटी। आज पूरा काम तो इसी चीज के लिए किया गया था, यानी लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी बनाने का सबसे बड़ा फायदा क्या कि लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। किसकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है? कंपनी के शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर। अच्छा, कंपनी की लाइबिलिटी क्या रहती है? हमेशा अनलिमिटेड रहती है। ध्यान रखिएगा लिखते वक्त, मैंने बीसीके में भी कई बार आपको बताया था, लेकिन लिखते वक्त अगर आपने लिख दिया कि लिमिटेड लाइबिलिटी मींस द कंपनी हुज लाइबिलिटी इज लिमिटेड, तो योर नंबर विल बी वेरी लिमिटेड, जीरो सीधा। क्यों? क्योंकि आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड है, और कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होने का मतलब आप बोल रहे हो कि कंपनी उससे ज्यादा लायबल ही नहीं है किसी को पैसा देने के लिए। अरे कंपनी की लाइबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होती है, उसके जो मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। तो आज लिमिटेड लाइबिलिटी जो हम कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, ये किसके कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं? उसके मेंबर्स की बात कर रहे हैं। करेक्ट, शेयर होल्डर छोटा वर्ड है, मेंबर्स एक बड़ा वर्ड है। करेक्ट, तो मेंबर जो है उनकी लाइबिलिटी हमेशा लिमिटेड होती है। तो आज कंपनी बनाने का फायदा क्या है कि फायदा नंबर दो, देखो तुम्हारी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो जाएगी। अब वो लिमिटेड में अलग अलग टाइप की होती है, जैसे लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनी अलग होती है, लिमिटेड बाय गारंटी वाली कंपनी अलग होती है, और कुछ लोग कंपनी में भी अपनी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रखना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शन उनको है कि आप चाहो तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी भी बना सकते हो। लेकिन फिर वो अपने आप में एक क्वेश्चनेबल इश्यू है कि अगर अनलिमिटेड ही बनाना था तो कंपनी क्यों बनाया? लेकिन अगर ऑप्शन नहीं देते तो बोलते हैं ना हमारा बिजनेस करने का अधिकार छीन लिया हमसे, हम अनलिमिटेड में कंपनी बना के काम करना चाहते हैं और हमको मौका नहीं मिल रहा है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे लोग ना बोल सके कुछ, इसलिए ऐसा भी ऑप्शन है कि आप चाहो तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी भी बना सकते हो, लेकिन फिर ज्यादातर लोग बनाते नहीं है ऐसी कंपनी। तो 99% कंपनियां कैसी होती है? लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी ही
होती है। तो आज ये एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया कंपनी का, जिससे आप उतने ही लायबल होंगे जितना आपका हिस्सा था कंपनी में, करेक्ट। तो अगर आपने 100 शेयर खरीदे हुए हैं 10 रुपए वाले, 1000 रुपए तक मैक्सिमम आपकी लायबिलिटी रहेगी। अब कंपनी चाहे बैंक से 10 करोड़ का लोन ले या 10,000 करोड़ का लोन ले, आपको उससे कोई मतलब नहीं। मैक्सिमम जब भी बैंक वाला पैसा मांगने आएगा और आपने शेयर का अभी तक रुपया अगर नहीं दिया है कंपनी को, तो आपकी मैक्सिमम लायबिलिटी 1000 रुपए रहेगी। बैंक वाले को 1000 रुपए देना और चले जाना वहां से, यानी बैंक वाला आपके घर पर नजर भी नहीं डाल सकता। लिमिटेड लाइबिलिटी, दैट इज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की जब भी हम बात करते हैं, तो यानी आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल क्या, एनीथिंग विच इज नॉट नेचुरल इज आर्टिफिशियल। तो कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन नाम क्यों दिया, क्योंकि इसमें इट डज नॉट पोजेस द क्वालिटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, यानी इसके पास वो सारे अधिकार है जो एक पर्सन के पास होते हैं। एक पर्सन के पास क्या अधिकार होता है, एक पर्सन के पास अधिकार होता है कोई भी जगह खरीदने का। तो आज जैसे मिस्टर एक्स एक जगह खरीद सकता है, वैसे कंपनी भी अपने नाम से जगह खरीद सकती है कि ये जगह, दिस लैंड बिलोंग्स टू एक्स प्राइवेट लिमिटेड, यानी ये उसका अधिकार हो गया। तो आज उसके पास वो सारे अधिकार होंगे जो पर्सन के पास होते हैं। तो वो अपने नाम से जगह खरीद सकता है, अपने नाम से बिल्डिंग खरीद सकता है, अपने नाम से बिजनेस कर सकता है। उसका खुद का एक नाम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे पर्सन का एक नाम होता है, आप सबका एक एक नाम है, वैसे कंपनी का भी एक नाम होता है। सोल प्रोप्राइटर में कोई नाम से पहचानते हैं क्या, वो तो सबको एक ही मानता है, कोई अलग अलग है ही नहीं। क्या पार्टनरशिप अपने नाम से जगह खरीद सकती है, द आंसर इज नो, जगह तो पार्टनर्स के नाम से खरीदना है, करेक्ट। तो मीनिंग देयर बाय, आज जितने भी अदर फॉर्म्स है, जब भी मैं अदर फॉर्म बोलूं तो तीन ट्रेडिशनली आने चाहिए आपको दिमाग में, वो एलएलपी को छोड़ के चलेगा, क्योंकि एलएलपी कंपनी ही मानिएगा उसको एक तरीके की। तो इसलिए आज सोल प्रोप्राइटर हो चाहे पार्टनरशिप हो चाहे एचईएफ हो, ये अपने नाम से चीजें नहीं खरीदते हैं। इनको खरीदना है तो ये किसी के थ्रू वो चीजें को खरीदते हैं। लेकिन कंपनी की खासियत क्या है कि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और आर्टिफिशियल पर्सन होने के कारण इसको जो जो अधिकार एक पर्सन के पास होते हैं, वो सारे अधिकार इसके पास भी रहेंगे। नाम रखना, जगह खरीदना, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना, जैसे आप किसी के भी साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कंपनी भी अपने नाम से किसी के भी साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। जैसे आपके कोई कॉन्ट्रैक्ट में वादा खिलाफी करे तो आप वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मान के कंपेंसेशन क्लेम कर सकते हैं, वैसे कंपनी में के कंपनी भी अगर उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करे, तो वादा खिलाफी करे, तो उसके खिलाफ भी वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्शन कंपेंसेशन क्लेम कर सकती है। तो ये सारे फायदे हैं कंपनी बनाने के, कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। लेकिन फिर कंपनी बोलती है, यार अभी अभी तो इलेक्शन गया था, उसको वोट देने का मन था, तो कंपनी बोलती है मुझे वोट देने जाना है। सवाल ये है, क्या कंपनी वोट देने जा सकती है? तो बोले नहीं नहीं लोगों का आधार कार्ड होता है, हमको भी आधार कार्ड बनवाना है। तो अब कंपनी जीत पे पड़ गई, हम भी इंडिया में रहते हैं भैया, रिलायंस है, इंडिया की कंपनी है, हमारा आधार कार्ड बनाओ। अब उसको समझा समझा के थक गए, भैया अंगूठा कहां से लाएगा? तो मीनिंग देयर बाय, तुम्हारा आधार कार्ड नहीं बन सकता, क्योंकि आधार कार्ड के लिए प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट क्या है, अंगूठा। तो अब तुम वो अंगूठा, अंगूठा नहीं होता तो आंखें, आंखें कहां से लाओगे? तो बोले नहीं तुम तो हमको पर्सन बोलते हो, तो इसीलिए तुमको समझा रहे हैं, तुम पर्सन हो लेकिन आर्टिफिशियल हो। ये बात को समझो, कल को तुम्हारा मन करेगा, बोलोगे मेरे को वो इंफोसिस अच्छी लगती है, फिर बोलोगे रिलायंस, बोलोगे मुझे इंफोसिस से शादी करनी है, तो नहीं हो सकता। तो इसलिए देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। इसलिए नाम रखा कि कंपनी पर्सन है लेकिन नेचुरल पर्सन नहीं है, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी वो ज्यादातर काम कर सकती है जो पर्सन कर सकता है, लेकिन सारे काम नहीं कर सकती। सारे काम मतलब वोट देने नहीं जा सकती, आधार कार्ड नहीं बनवा सकती, शादी नहीं कर सकती, करेक्ट। तो ये सब बड़ा अफसोस हो रहा है आपको, करेक्ट। तो मीनिंग देयर बाय, ऑल दिस आर क्वालिटीज विच आर पोजेस्ड बाय नेचुरल पर्सन्स, नॉट बाय आर्टिफिशियल पर्सन। इसलिए कंपनी को समझाया गया कि भैया तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि तुम एक आर्टिफिशियल पर्सन। और दूसरा बोला, साथ ही साथ बोले आर्टिफिशियल पर्सन ऐसा कहां लिखा हुआ है? आज आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, कंपनी अपने नाम से बैंक अकाउंट ओपन करवा सकती है, तो वो सारे काम करती है जो नॉर्मली एक पर्सन करता है। लेकिन अब लोग भी उन्हें पर्सन की तरह ट्रीट करे, ऐसा कहां लिखा हुआ है? तो कंपनीज एक्ट 2013 में ही बताया हुआ है। और जब कंपनीज एक्ट 2013 ही ये बात को बताता है, तो इसलिए आज वो एक लीगल पर्सन भी है। आर्टिफिशियल तो है ही लेकिन लीगल। लीगल क्यों? क्योंकि कानून उसे मानता है, कानून उसे एक अलग
पर्सन की तरह ट्रीट करता है और वो सारे अधिकार देता है जो एक नॉर्मल पर्सन के पास रहते हैं, इसलिए वो आर्टिफिशियल के साथ साथ एक लीगल पर्सन भी है, यानी लॉ की नजरों में कंपनी अलग और उसके लोग अलग होते हैं। तो दैट्स व्हाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन ऑफ कंपनी ऑल्सो अराइजेस, करेक्ट। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुइटी मतलब परपेचुअल लाइफ है, मतलब इनफाइनाइट लाइफ है। पुराने जमाने में होता था ना, लोग वो अमृत रस पी लेते थे तो अमर, मतलब सीधा अमर हो जाते थे, फिर कभी मरने का मतलब इच्छा मृत्यु हो जाती थी उनकी, करेक्ट। तो वो लोगों में होता था, लोगों के लिए तो वो स्कीम सिर्फ कुछ समय के लिए ही वैलिड थी पुराने सालों में, आज की तारीख में वैलिड नहीं है, लेकिन कंपनी के लिए वो स्कीम आज भी चलती है। यानी कंपनी जो एक बार बन गई वो अमृत रस पी के ही पैदा होती है कंपनी, यानी कंपनी हमेशा अमर होती है, अपनी इच्छा से बनी अपनी इच्छा से ही खत्म होगी। कंपनी विल हैव ऑलवेज हैव एन इनफाइनाइट लाइफ। सोल प्रोप्राइटर का सोचिए था, उसके बिजनेस का यही कमजोरी था कि मिस्टर एक्स का बिजनेस तभी तक चलता था जब तक मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स नहीं तो उसका बिजनेस भी नहीं। पार्टनरशिप में ए और बी ने मिलकर काम चालू किया था, एक वन फाइन डे बी सुबह उठा और बोला मूड नहीं है यार अब काम करने का, उसके मूड नहीं है के चक्कर में पार्टनरशिप की ऐसी की तैसी हो गई, पार्टनरशिप तो बंद हो गई, बिजनेस बंद हो गया, यानी बाकी सब मूड पे चलते थे। सोल प्रोप्राइटर मूड पे चलता, पार्टनरशिप मूड पे चलती, एचयूएफ पार्टीशन हो गया, बंटवारा हो गया, एचयूएफ का बिजनेस खत्म, मूड पे चलता। क्या कंपनी मूड पे चलती? द आंसर इज नो। कंपनी की लाइफ इनफाइनाइट, लोग आते रहेंगे लोग जाते रहेंगे बट कंपनी हमेशा चलती रहती है। कंपनी को जिसने बनाया वही कंपनी को खत्म कर सकता है, और कंपनी को बनाने वाला कौन है? कंपनी को बनाने वाला कानून है, तो कंपनी को खत्म करने वाला भी कानून ही हो सकता है। और हम कोई ऐसी बोले यार छोड़ ये कंपनी में अमन नहीं है काम नहीं करते, तो आपके ऐसा बोल देने से कंपनी खत्म नहीं हो जाएगी। कंपनी विल ऑलवेज हैव अ परपेचुअल सक्सेशन। यानी जो आप अकाउंट्स में पढ़ते थे, वन ऑफ द बेसिक अजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट वाज द बेसिक अजम्पशन? गोइंग कंसर्न। तो जो गोइंग कंसर्न एक बेसिक अजम्पशन है, वो रियल मायने में तो कंपनी पे लागू होती है, क्योंकि कंपनी जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो हमेशा गोइंग कंसर्न बेसिस पे चलता है, करेक्ट। और ये खत्म तभी होगा जब एक्चुअली में कंपनी डिसॉल्व हो जाए। तो इस कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर एक रियल लाइफ स्टोरी थी, रियल लाइफ स्टोरी जहां पे एक कंपनी जिसके 7 मेंबर थे, सिर्फ 7 ही मेंबर थे, उन्होंने मिलकर एक कंपनी बनाई थी, और वो कंपनी की अक्सर मीटिंग होती है, तो वो मीटिंग में वो सातों बैठे हुए थे और कुछ डिस्कशन कर रहे थे। अचानक जहां पे मीटिंग चल रही थी वहां पे किसी ने बम फोड़ दिया, और बम फोड़ा तो सातों के सातों की डेथ हो गई। अब सवाल ये उठने लगा कि भैया वो 7 लोग ही थे कंपनी के मेंबर, अब वो तो सातों की डेथ हो गई, तो क्या कंपनी भी खत्म हो गई इससे? द आंसर वॉज नो, इट वॉज हेल्ड दैट कंपनी कुड नॉट बी डिसॉल्व। आपको एक ऐसा ही रियल एक स्टोरी बना के देगा, एग्जाम में एक केस स्टडी देगा, नाम बदल देगा, बोलेगा एक एक्स लिमिटेड करके एक कंपनी थी, उसके 4 मेंबर थे, चारों के चारों मेंबर मीटिंग में बैठे हुए थे, और अचानक से कुछ हुआ, आतंकवादी हमला हो गया, चारों के चारों मर गए। तो अब लोगों को लगने लगा कंपनी जो है वो खत्म हो गई। प्लीज गिव योर वैल्यूएबल सजेशन टू दिस एस्पेक्ट। अब उसमें एक तो ऐसा केस स्टडी दे दिया, ऊपर से वर्ड अलग जोड़ दिया, गिव योर वैल्यूएबल सजेशन, मतलब अब आपसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो सजेशन दोगे वो वैल्यूएबल होगा, तो आपको जवाब भी उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा। व्हाट विल बी द वैल्यूएबल सजेशन? द आंसर विल बी कि कंपनी इज नॉट डिसॉल्व बिकॉज कंपनी हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परपेचुअल सक्सेशन। तो आज वो केस के पीछे रीजन क्या है? परपेचुअल सक्सेशन, कि लॉ हैज क्रिएटेड कंपनी एंड ओनली लॉ कैन डिसॉल्व द कंपनी, इवन अ हाइड्रोजन बम कैन नॉट डिस्ट्रॉय अ कंपनी। तो लॉ हैज क्रिएटेड एंड लॉ हैज ओनली द पावर टू डिसॉल्व अ कंपनी, करेक्ट। तो ये यहां से कैरेक्टरिस्टिक निकल के आया, परपेचुअल सक्सेशन। यानी ये सारे केसेस जो है ना कभी ये कैरेक्टरिस्टिक कहां से निकल के आया? कभी ना कभी कोई ना कोई मैटर कोर्ट में गया, और जब कोर्ट में गया तो कोर्ट ने उसमें अपना जजमेंट दिया। लाइक ये वाला केस कोर्ट में ही गया था जहां पे लोगों को लगा कि भैया ये तो कंपनी खत्म हो गई है, तो कोर्ट ने बोला ऐसे खत्म नहीं होती कंपनी। तो बोले सातों के सातों की तो डेथ हो गई, वो भले हो जाए कंपनी चलेगी, कंपनी खत्म नहीं हो जाती, कंपनी को नहीं मार सकता कोई,
लोगों को मार सकते हो, कंपनी को नहीं मार सकते, तो कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होगा, कंपनी विल हैव अ परपेचुअल सक्सेशन। तो वहां से कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक निकल के आया परपेचुअल सक्सेशन। तो उसी के लिए वो कहावत आपने सुनी होगी, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, करेक्ट। तो एक ऐसा ही आपसे सवाल आ जाएगा सीधा सीधा, द मैक्सिम मेंबर में कम मेंबर में गो बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर रिफ्लेक्ट विच काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी, इलेबरेट। तो आपको समझाना पड़ेगा कि इन दिस केस इट इज डीलिंग विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परपेचुअल सक्सेशन व्हिच सेज दैट द लाइफ ऑफ कंपनी इज इनफाइनाइट एंड लॉ हैज क्रिएटेड द कंपनी एंड द लॉ अलोन कैन डिसॉल्व अ कंपनी, करेक्ट। तो ये ओवरऑल एक ब्रॉडर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी जो है वो होता है। अब जैसे ही आपने अपने फ्रेंड को एक तो इतना जोड़ का चाटा जमा दिया उसको और पूछा कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया कंपनी का, अब वो इतना खुश हो गया, उसको सारी भूली बातें सारी याद आ गई कि बीसीके में जो जो पढ़ा था सारी बातें अब उसको रिकॉल हो गई और वो अचानक खड़े होके तालियां बजाने लग गया, करेक्ट। इंस्टेड ऑफ स्लैप ही स्टार्टेड हैविंग अ क्लैप, करेक्ट। तो वो क्या करने लग गया, वो क्लैप्स करने लग गया, यानी अचानक से आपके ऑफिस में तालियां बजाने लग गया, उससे एक नई कैरेक्टरिस्टिक और निकल के आ गई विच इज अबाउट कॉमन सील, यानी उसने खुद ने एक नई कैरेक्टरिस्टिक याद दिला दी आपको कि अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी इज अ कॉमन सील। तो स्लैप जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, क्लैप्स में कन्वर्ट हो गया। तो ओवरऑल जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी है वो क्या हो गया, वो कॉमन सील हो गया, एक एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक अपार्ट फ्रॉम सेपरेट लीगल एंटिटी लिमिटेड लाइबिलिटी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन एंड परपेचुअल सक्सेशन। तो ये जो चार थे ये तो है ही, उसके साथ साथ कॉमन सील भी एक नया कैरेक्टरिस्टिक कंपनी का आ गया। तो सवाल है कॉमन सील क्या है, तो आज हमने बोला कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, हमें तो किसी के भी साथ कोई भी डीलिंग करनी होती है तो हम तो क्या करते हैं अपना दस्तखत कर देते हैं। अब कोई भी चीज कंपनी ने करी है ये इसका सबूत क्या रहेगा, तो क्या कंपनी का भी कोई दस्तखत होता है, अब कंपनी के तो हाथ पैर नहीं, अगर दस्तखत कर सकती कंपनी तो आधार कार्ड भी बनवा सकती थी, तो प्रॉब्लम तो वही है। तो इसलिए बिना हाथ की कंपनी है, तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे अब उसको कोई भी काम कंपनी ने किया है ये चीज की लाइबिलिटी को अगर एक्सेप्ट करना है तो वो एक्सेप्ट किया कैसे जाए, तो वो एक्सेप्ट किया जाता है थ्रू द कॉमन ऑफ द कंपनी। तो कॉमन सील जो है बेसिकली इट एक्ट्स एज अ सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, यानी ये कंपनी का सिग्नेचर के तरह काम करता है कि अगर किसी भी पेपर में किसी भी डॉक्यूमेंट में कंपनी का ठप्पा लगा हुआ है कॉमन सील लगा हुआ है तो मतलब कंपनी इस बात को एक्सेप्ट करती है, इट एक्ट्स एज अ ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। तो पहले ऐसा था हर कंपनी को अपना एक कॉमन सील बनाना जरूरी होता था, लेकिन फिर यानी 2013 आया कंपनी एक्ट 2013 में भी यही बोला गया हर कंपनी को अपना कॉमन सील बनाना जरूरी है, लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद अचानक से इस कैरेक्टरिस्टिक को ऑप्शनल कर दिया गया, फ्रॉम मैंडेटरी कॉमन सील के काम को ऑप्शनल कर दिया गया, करेक्ट। क्यों, क्योंकि आज का जमाना ऑनलाइन जमाना है, उसमें कहां आप साइन करते हैं वैसे ही रहते हैं, तो इसलिए पहले जो कॉमन सील मैंडेटरी होता था अभी उसको ऑप्शनल कर दिया, और कारण तो क्या बताया, यही बताया कि भैया ज्यादातर काम तो ऑनलाइन होता है तो इसलिए कॉमन सील की जरूरत ही नहीं है। अब कॉमन सील की जगह कंपनी का डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी भी अगर साइन कर दे या दो डायरेक्टर भी किसी पेपर पे साइन कर दे तो मान लेना कि वो पेपर कंपनी ने साइन किया है, ऐसा बोल दिया। लेकिन कॉमन सील को ऑप्शनल करने के पीछे रियल कारण क्या था, क्योंकि यूके में भी कॉमन सील ऑप्शनल हो गया था, करेक्ट। तो यूके में कॉमन सील ऑप्शनल हुआ तो हमने जो 2013 मनाया उसमें तो बोला था कंपनियों को कॉमन सील रखना है, लेकिन फिर वहां देखा वहां ऑप्शनल हो गया, तो हमने भी एक कारण बता के बोल दिया हमारे यहां भी कॉमन सील जो है वो ऑप्शनल है, लेकिन अब वो ऑलमोस्ट हर कंपनी रखती ही है, बट इट इज नॉट मैंडेटरी एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो अब किसी पेपर में अगर कंपनी का कॉमन सील ना भी हो लेकिन उसके जगह पे उसके डायरेक्टर और दो डायरेक्टर का अगर सिग्नेचर है तो माना जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट कंपनी के बिहाफ में ही साइन हुआ है और कंपनी उन कामों के लिए लायबल रहेगी। तो अल्टीमेटली ये सब क्या है, ये सारी खूबियां हैं कंपनी की। तो आपसे कभी भी पूछे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी, तो आपको एक ही जवाब लिखना है, वो है क्लैप्स। क्लैप्स इज द बेनिफिट ऑफ कंपनी, कंपनी बनाने के क्या फायदा, क्लैप्स इज द बेनिफिट ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी। किसी भी तरीके के ये चीज जो है आपका कोई भी आंसर में काम आ सकता है, यानी कोई भी क्वेश्चन आप पूछे आपसे, आप अगर इलेबरेट करना है आंसर को तो आप उसमें बोल सकते हैं बेनिफिट ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी इज दैट इट हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है तो आपको बता देना है कॉमन सेल लिमिटेड लाइबिलिटी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन परपेचुअल सक्सेशन एंड सेपरेट लीगल एंटिटी। तो ये पांच कैरेक्टर
कैरेक्टरिस्टिक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये पांच ही खूबियां हैं, और भी खूबियां हैं आपके बुक में, बस ये पांच ही खूबियां दी है। जैसे एक और खूबी है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, यानी आप कंपनी के शेयर्स इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को भी, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शेयर बेच सकता है। यही तो कंपनी बनाने का फायदा है जो पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं था। एक पार्टनर को अगर जाना है तो वो तो सीधा फर्म से पैसा मांगता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर अगर आपने अकाउंट में देखा तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में क्या किया जाता है, तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में तो सारा पैसा जो है पार्टनर फर्म से मांगता है। तो फर्म इतने सालों से जो पैसा इकट्ठा करके रखती है, सोचती है हम नई ब्रांच खोलेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, अचानक से एक दिन पार्टनर आता है जो 10 साल से फर्म में पार्टनर था, और वो बोलता है भैया मेरा मूड नहीं कर रहा, मेरे को रिटायर होना है, मेरा जितना भी पैसा था वो पैसा मेरे को दे दो। अचानक से 20-25 लाख रुपए उसको देना पड़ जाता है। अब फर्म उसको 20-25 लाख कहां से लाएगी अचानक से रुपए, तब उसको जो देना था, तो जो एक्सपेंशन प्लान थे पार्टनरशिप फर्म के वो तो सारे धरे के धरे रह गए, और पूरा 25 लाख एक पार्टनर लेके चला गया। फिर वो वापस से बिल्डिंग अप ऑफ बिजनेस का काम चालू होता है, वापस धीरे धीरे करके बिजनेस को एक्सपेंड करने का प्लानिंग करते हैं। फिर 10 साल होगा, फिर कोई दूसरा रिटायरमेंट के लिए आ जाएगा, तो यानी बिजनेस अफेक्ट होता है। लेकिन कंपनी का फायदा क्या है कि इससे बिजनेस को कोई अफेक्ट नहीं होगा, यानी बिजनेस जो करना है बिजनेस अलग चलता रहेगा। अब आज मेरे पास रिलायंस का अगर कोई शेयर है, मेरे को उसको बेचना है, तो मैं बेचना चाहता हूं, कोई खरीदना चाहता होगा, मैं उसको शेयर बेच दूंगा, यानी डीलिंग किसके बीच में हुई, आपके और मेरे बीच में। रिलायंस पे क्या फर्क पड़ा, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। क्या उसका बिजनेस अफेक्ट हुआ, क्या कोई इफेक्ट नहीं हुआ। मेरे को जितने में बेचना था मैंने बेचा, आपसे पैसा लिया, आपको खरीदना था आपने पैसा दिया और शेयर खरीद लिए, आपको शेयर की जरूरत थी आपको शेयर मिल गया, मुझे पैसों की जरूरत थी मुझे पैसा मिल गया, रिलायंस का क्या लेना देना उससे। क्या मैं रिलायंस से जाके पैसा मांगा, द आंसर इज नो। तो इसलिए रिलायंस का बिजनेस अफेक्ट नहीं हुआ, दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ कंपनी। तो आज आप कंपनी बनाएंगे तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर भी एक कैरेक्टरिस्टिक, ऐसे और भी कैरेक्टरिस्टिक है, बट ब्रॉडली आपके बुक में सिलेबस में ये पांच कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। सो दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी, यानी कंपनी बनाने से पहले आपने उसके फायदे बता दिए, करेक्ट। तो देखिए सीधा पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी में आइए, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक में हमारे सीधा सेपरेट लीगल एंटिटी। देखिएगा देयर आर डिस्टिंक्टिव फीचर्स बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोले तो द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर इन द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विज द अदर ऑर्गेनाइजेशन इज दैट इट अक्वायर्स अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ बींग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब कंपनी अलग और उसके मेंबर्स अलग। In other words, when a company is registered, it is clothed with a legal personality. जैसे ही कंपनी रजिस्टर हुई उसकी अपनी एक आइडेंटिटी हो जाती है। It comes to have almost same rights and powers as human beings. और वो सारे अधिकार आ जाते हैं जो एक human being के पास होते हैं। Its existence is distinct, separate from that of its members. A company can own property. अभी क्या क्या कर सकती है? Have bank account, raise loans, incur liabilities and enter into contracts. जो काम एक व्यक्ति करता है वो सारे काम कर सकती है। It is at law a person different altogether from subscribers to the memorandum. ये कौन होते हैं? Subscribers to the memorandum. Subscribers to the memorandum. तो directors, shareholders, members. ये वर्ड कई बार आएगा, सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। तो आज कंपनी बनाते हैं तो उसके लिए दो बेसिक डॉक्यूमेंट लगता है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। एक है मेमोरेंडम और दूसरा है आर्टिकल। तो ये दो पेपर लगते हैं। अब कंपनी बनाने हैं तो ये पेपर बनाना पड़ेगा ना, और कंपनी बनाने का ख्याल तो किसी व्यक्ति को आता होगा कि भैया एक कंपनी बनानी चाहिए। तो जो पूरा कामकाज करता है उसको बोलते हैं प्रमोटर। जो पूरा कंपनी बनाने का आइडिया जिसके दिमाग में आता है, ही इज कॉल्ड एज अ प्रमोटर, कि उसने कंपनी को प्रमोट किया। और फिर जब भी कंपनी बनती है तो आपको पता होगा प्राइवेट में कम से कम कितने लोग चाहिए, दो, पब्लिक में कम से कम 7 लोग चाहिए होते कोई भी कंपनी को बनाने के। तो मैं एक कंपनी बना रहा हूं तो शुरू में मैं बताऊंगा ना भैया देखो मेरी ये कंपनी बनेगी, तो आरओसी सबसे पहला सवाल ही क्या पूछेगा, अच्छा कौन कौन बना रहे हो, कौन है तुम्हारे मेंबर, मैं बोले मैं अकेला हूं, और बोले कौन सी कंपनी बना रहे, पब्लिक कंपनी, तेरे को पता है कुछ पब्लिक कंपनी अकेला बनाने आ गया, कहां है बाकी के 6 लोग तेरे, बोले ला तो बोले नाम बताओ उनका पूरा। तो अब वो जो 7 लोगों के नाम आपने बताए वो कौन है, दे आर सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम,
उन्होंने मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया है, यानी जो भी कंपनी बनेगी दे आर सब्सक्राइबर, यानी मेमोरेंडम के आखिरी पेज में वो सातों का सिग्नेचर रहेगा। क्यों? क्योंकि जिस दिन कंपनी बन गई और ये मेमोरेंडम रजिस्टर्ड हो गया, उसी दिन उसी वक्त कंपनी और उसके मेंबर्स जो सब्सक्राइबर्स है उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसी दिन ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। किस बात का कॉन्ट्रैक्ट? कि अब दोनों एक दूसरे से राइट्स और लाइबिलिटीज इनकर करेंगे। किस बात का राइट? कि आज जो भी व्यक्ति मेंबर बनता है उसका अधिकार क्या है? शेयर लेना, वो कंपनी के शेयर लेगा। और कंपनी का अधिकार क्या है? उनसे पैसे लेना। अब मैंने कंपनी बनाने के लिए बोला मैं 1,000 शेयर लूंगा, तो कंपनी ने मेमोरेंडम में लिख दिया मिस्टर एक्स 1,000 शेयर, मिस्टर वाई 2,000 शेयर, मिस्टर जेड 500 शेयर, ऐसा करके लिखा, उन्होंने दस्तखत किया, कंपनी को रजिस्टर मेमोरेंडम दिया, रजिस्टर कराया कंपनी को। और जैसे ही कंपनी बनी, अब कंपनी बोली अच्छा ठीक है वो 1,000 शेयर का पैसा तो लाओ, आपको तो देखो वादे के मुताबिक हम 1,000 शेयर दे दिए, लाओ उसका पैसा। मिस्टर एक्स बोलते मन नहीं है पैसा देने का। कंपनी बोली कि मन कैसे नहीं है तेरा, कंपनी बन चुकी, अब मन काम नहीं आएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका तेरे और मेरे बीच में, 1,000 शेयर लेना ही पड़ेगा, पूछ नहीं रहा हूं बता रहा हूं। ऐसा कंपनी उसको बोलेगी कि अब 1,000 शेयर का जितने भी रुपए में बात हुई है उतना रुपए हमको दे दे, और नहीं देगा कोर्ट में केस फाइल कर देंगे तेरे खिलाफ। तो कैसे फाइल करोगे? क्योंकि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट और तू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यू आर वायलेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तूने साइन किया था, देख तेरा नाम लिखा हुआ है मिस्टर एक्स, उसके आगे लिखा हुआ है 1,000 शेयर, ये देख दस्तखत मिस्टर एक्स, तो मतलब तू एग्री कर रहा था कंपनी बनने के बाद तू 1,000 शेयर लेगा? कैसे नहीं लेगा तू, इट्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या तो कंपेंसेशन दे दे या शेयर का पैसा दे दे, दो में से एक डिसाइड कर ले। तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो जितना भी नाम जितने भी सब्सक्राइबर्स जो मेमोरेंडम में, उन्हें पता होना चाहिए कि अगर कंपनी बन गई तो जितने शेयर उनके नाम के अगेंस्ट लिखे हुए हैं वो उन्हें लेने पड़ेंगे, मना नहीं कर सकते, और किया तो मतलब कल को लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो मतलब हमेशा क्या शेयर होल्डर ही फंसेंगे, कल को कंपनी भी जा सकती है। कैसे? उल्टा, 7 दोस्तों ने मिलकर कंपनी बनाई थी, पब्लिक कंपनी, अब उसमें 5 की आपस में पटती है, 2 को तो ऐसे ही मतलब कभी भी जुड़वा दिया था क्योंकि 7 लोग चाहिए पब्लिक कंपनी बनाने के लिए, सबके नाम के आगे लिखा था 10-10 हजार शेयर, सबने पैसे भी दे दिए, साइन हो गया, कंपनी रजिस्टर्ड हो गई। अब वो कंपनी बनने के बाद डायरेक्टर जरूर थोड़ी है 7 के 7 बने, तो डायरेक्टर 5 लोग वही 5 लोग बने, और उन्होंने क्या डिसीजन लिया, अपने अपने शेयर तो दे दिए, खुद ले लिए, तो जो भी शेयर लेना था वो 5 फ्रेंड ने तो ले लिया। अब वो 2 फ्रेंड बोले भैया हमारे शेयर कहां है, तो कंपनी बोलती है नहीं तुमको शेयर नहीं देंगे, तो वो 2 दोस्त भी बोल सकते क्या शेयर नहीं देगा, पैसा दिया तेरे को मैं, किस बात का शेयर नहीं मिलने वाला मेरे को, तो बोले नहीं मन नहीं है तुमको शेयर देने का, जाओ यहां से, विल टेक अ लीगल एक्शन अगेंस्ट द कंपनी। क्यों? क्योंकि जिस दिन कंपनी बनी कॉन्ट्रैक्ट 1 साइड नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट 2 साइड होता है। तो यानी नाउ इवन दैट सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम विल हैव एन एक्शन अगेंस्ट द कंपनी, पैसा दे दिया तू शेयर कैसे लेगा, बोले तेरा पैसा तेरे को लौटा देते हैं, पैसा नहीं चाहिए मेरे को शेयर चाहिए इस कंपनी का, शेयर के लिए पैसा दिया था, पैसा वापस लेने के लिए पैसा नहीं दिया था, तो इसका मतलब कंपनी को उनको शेयर हेल्ड, कंपनी को उनको शेयर देना पड़ेगा, कंपनी मना नहीं कर सकती। तो दोनों मतलब एक लाइबिलिटी और एक राइट में फंसे हुए, और ये कब होगा, ये उस दिन से चालू हो जाएगा जिस दिन कंपनी बन गई। तो मेमो कंपनी और उसके सब्सक्राइबर के बीच में जो रिश्ता बन गया वो क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया कंपनी के बनते ही, दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली दे आर कॉल्ड एज सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। और उसका इफेक्ट क्या है, देयर विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड द सब्सक्राइबर्स। तो वो समझा रहा है कि इट इज एट लॉ अ पर्सन डिफरेंट ऑल टुगेदर फ्रॉम सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम, तभी तो सेपरेट लीगल एंटिटी होगा, कि ये 7 अलग है और ये कंपनी अलग है। इट्स पर्सनैलिटी इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम पर्सनैलिटी ऑफ दोज हु कंपोज इट, तो मतलब अलग अलग आइडेंटिटी है। इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी, दोनों हो सकता है, अक्वायर राइट अगेंस्ट इट, राइट क्या है मेंबर का, शेयर देगा तू मेरे को, नाम लिखा हुआ था, साइन किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, मेरा साइन है तो तुम्हारा भी साइन है, तो साइन है तो तुमको शेयर देना पड़ेगा, ये मेरा राइट है, तो मेरा राइट तुम्हारी लाइबिलिटी, और इनकर लाइबिलिटी टू इट, लाइबिलिटी कौन सी, पैसा देना पड़ेगा ना, तो अब खाली शेयर कंपनी ने शेयर दे दिया आप पैसा नहीं दे रहे हो, कंपनी बोलेगी भैया तू लायबल है पैसा देने के लिए, तो दोनों चीजें हो सकती है, शेयर होल्डर सब्सक्राइबर विल हैव अ राइट अगेंस्ट द कंपनी बट विल ऑल्सो हैव अ लाइबिलिटी अगेंस्ट इट फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी, लेकिन जो कंपनी के डेट्स है
डेट्स मतलब उधारी, तो जो कंपनी की उधारी है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कंपनी की, उसके मेंबर्स, तो उसके लिए कंपनी ही जिम्मेदार होगी। ओनली इट्स क्रेडिटर कैन सू इट एंड नॉट इट्स मेंबर। अब क्या होता है, कंपनी ने किसी से लोन लेके रखा हुआ है, अब जो लोन लेके रखा हुआ है वो वन ऑफ द शेयर होल्डर का भाई है। सपोज आई एम अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, और मेरे भाई ने वो कंपनी को कुछ सामान बेचा, तो अब कंपनी की बुक्स में तो वो क्रेडिटर हो गया। अब कंपनी उसको पैसा नहीं दे रही है, अब कंपनी उसको पैसा नहीं दे रही है तो वो कंपनी के खिलाफ तो एक्शन ले सकता है, लेकिन मैं भी पहुंच गया क्योंकि मेरा भाई था, मैं पैसा कैसे नहीं दे रहा, मैं शेयर होल्डर मालिक हूं तेरा, पैसा दे उसको, नहीं देगा मैं केस कर दूंगा तेरे वाला। करो, जज क्या बोलेगा, तू बीच में टांग क्यों अड़ा रहा है? बोले नहीं है, हम सब कंपनी और हम तो एक ही है ना, इसलिए समझा रहा हूं इसको, तू साइड रहे। ये बात किसके बीच में है, कंपनी और उसके क्रेडिटर्स के बीच में, तुम दोनों एक नहीं हो, अलग हो जाओ। तो केवल क्रेडिटर ये केस कर सकता है कंपनी के खिलाफ, तू केस नहीं कर सकता कंपनी के खिलाफ, दोनों अलग अलग आइडेंटिटी रहेगी। ऐसा ही आपको एक केस स्टडी बना के देगा, सेम नाम डाल देगा, बस आपसे पूछेगा बताइए अगर आप उसके जज होते तो क्या फैसला सुनाते, गिव योर वैल्यूएबल सजेशन। तो आपको बोलना पड़ेगा भैया इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तो अगर कोई डेट्स कंपनी का है तो केवल क्रेडिटर ही कंपनी पे स्यू कर सकता है और कंपनी क्रेडिटर पे स्यू कर सकती है, शेयर होल्डर बीच में टांग नहीं अड़ाएगा अपनी, वो अलग व्यक्ति है। अ कंपनी इज कैपेबल ऑफ ओनिंग एंजॉयिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम ऑल्दो द कैपिटल एंड एसेट्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय द शेयर होल्डर्स, कंपनी बिकम्स द ओनर ऑफ इट्स कैपिटल एंड एसेट। भले ही पैसा लगाने वाला शेयर होल्डर है पर चीजें किसकी रहेंगी, चीजें कंपनी की रहेंगी, चीजों का मालिक कौन रहेगा, चीजों का मालिक कंपनी रहेगी, वो शेयर होल्डर नहीं होता। और इसके ऊपर केस भी हो गया, केस क्या हुआ, एक व्यक्ति जिसने अपनी ही कंपनी एक बनाई, उसका काम था टिम्बर खरीद के बेचने का, तो उसने सब टिम्बर लकड़ियां खरीदी, अब वो लकड़ियां खरीदा उसके पास एज ए स्टॉक इन ट्रेड पड़ा हुआ था, अब क्योंकि उस कंपनी में ऑलमोस्ट सारे शेयर उसी के थे, ऑलमोस्ट 1% तो 2013 का है ना, 1% कंपनी का ऑप्शन, उससे पहले ऐसा ऑप्शन नहीं रहता था, तो इसलिए एक प्रिज्यूम्ड 1% कंपनी बोला जाता है क्योंकि कम से कम दो लोग तो चाहिए रहते थे पहले, तो इसलिए जितने भी केसेस हैं वो सब पुराने हैं जब 1% कंपनी नहीं होता था, उस दौरान के केसेस हैं। तो लगभग एक कंपनी के सारे शेयर एक ही व्यक्ति के पास थे। अब उस कंपनी में जो टिम्बर पड़ा था, आमतौर पर आप अपने स्टॉक का क्या कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, अब वो सब लकड़ियां खरीदी किसने थी, कंपनी ने, यानी स्टॉक किसका था, कंपनी का था, बिजनेस किसका है, कंपनी का है। लेकिन कंपनी में पैसा लगाने वाला कौन है, वही मैकोरा, वो व्यक्ति का नाम था। अब उसने क्या किया, इंश्योरेंस कराया स्टॉक का, इंश्योरेंस कंपनी ने पूछा अच्छा किसके नाम पे इंश्योरेंस करना है, तो उसने बोल दिया यार मेरी तो कंपनी है, तो उसने अपने नाम से इंश्योरेंस करा दिया, बोले मेरे नाम से इंश्योरेंस कर दो। अब इंश्योरेंस अपने नाम पे कराया, प्रीमियम जो देना था इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम भी दे दिया, और कुछ समय बाद फैक्ट्री में आग लग गई, सारा टिम्बर जल के खाक। अब वो मैकोरा दौड़ता दौड़ता गया इंश्योरेंस कंपनी के पास, लाओ भैया कंपेंसेशन इंश्योर प्रीमियम इंश्योरेंस का क्लेम का पैसा दो मेरे को। इंश्योरेंस कंपनी बोली किसका चीज जला, बोले वो कंपनी थी ना मेरी कंपनी जिसका पूरे शेयर मेरे पास ही है, उसके पूरे स्टॉक जल गए, आग लग गई कंपनी में। बोले अच्छा तुमने इंश्योरेंस कराया था ना, बोले बताओ पेपर बताओ, उसका पेपर देखा, बोले ये तो तुम्हारे नाम पे, अच्छा कब खरीदा था तुमने टिम्बर, पेपर दिखाओ। तो अब उसने परचेज का बिल दिखाया, परचेज तो किसने किया था, कंपनी ने, तो सारा बायर में पार्टी का नाम किसका है, कंपनी का, उस स्टॉक का मालिक कौन है, कंपनी। बोले यार तो मालिक तो कंपनी दिख रही है कोई, तो बोले हाँ मतलब मेरे ही तो है, देखो उसके पूरे शेयर मेरे पास ही है, मैं ही हूं वो, अलग नहीं हम लोग। जाइए सर आपका क्लेम पास नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि स्टॉक एक का है, जिसका स्टॉक जला वो तो हमारा क्लाइंट ही नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला भैया स्टॉक जला कंपनी का, क्या हमने पॉलिसी कंपनी को दी है, नहीं, तो हमने जब पॉलिसी ही नहीं दी है उनको तो क्लेम किस बात का, आग तो कंपनी में लगी तुम्हारे यहां थोड़ी लगी। जिसने इंश्योरेंस कराया उसके पास लकड़ियां नहीं, जिसके पास लकड़ियां है उसका इंश्योरेंस नहीं कराया, क्लेम किस बात का, नहीं मिल सकता। बोले पर हम लोग तो एक ही है ना, हम लोग अलग यूनिट थोड़ी है, एक ही यूनिट है। ठीक, वो मूवी तक ही काम आता है, यहां पे काम नहीं आएगा। तो यहां पे इंश्योरेंस वाले बोलना तुम दोनों अलग हो, सेपरेट लीगल एंटिटी, और सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब
जिसकी लकड़ियां थी उसको इंश्योरेंस कराना चाहिए था। भले ही सारे शेयर तुम्हारे पास हो तो भी तुम अपने नाम से इंश्योरेंस कैसे करा लिए भाई? एसेट किसकी है, किसकी बैलेंस शीट में दिख रही है? लकड़ियां स्टॉक तुम्हारी बैलेंस शीट में कि कंपनी की बैलेंस शीट में? बोले कंपनी की बैलेंस शीट में। तो बस बात खत्म, ये केस क्लेम नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने भी वही फैसला सुना दिया। दैट वॉज द केस ऑफ मकौरा वर्सेज नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अब आपसे पूरा ऐसे ही सिचुएशन देगा एग्जाम में, बस लकड़ी की जगह कोई दूसरा चीज डाल देगा, बोलेगा टीवी था। एक व्यक्ति के पास मतलब एक कंपनी के सारे शेयर थे, वो कंपनी टीवी बेचने का काम करती थी, वो व्यक्ति ने सारा टीवी अपने नाम पे इंश्योरेंस करा दिया और फिर आग लग गया। अब बताओ वो क्लेम देने से इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर दिया, अगर आप जज होते तो क्या फैसला सुनाते, या इंश्योरेंस कंपनी ने सही किया कि नहीं किया? गिव योर वैल्यूएबल एडवाइस। देखिए, मैकोरा वॉज द होल्डर ऑफ नियरली ऑल एक्सेप्ट वन शेयर ऑफ अ टिम्बर कंपनी। तो एक टिम्बर कंपनी के लगभग मतलब 1000 शेयर है तो 999 शेयर उसके पास थे, एक शेयर उसने किसी और को फॉर्मेलिटी के लिए दे रखा था, क्योंकि दो लोग चाहिए होते प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए। ही वॉज ऑल्सो अ मेजर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। उसी ने अपनी, ऐसा भी मान लो कि हो सकता है उसने ही अपनी लकड़ियां कंपनी को बेच दी हो, तो वो क्रेडिटर भी हो गया था, इसीलिए अपने नाम पे भी इंश्योरेंस करा लिया। एम मकोरा इंश्योर्ड द कंपनी टिम्बर, जो कंपनी का स्टॉक था, इन हिज ओन नेम। द टिम्बर वॉज लॉस्ट इन अ फायर, मकोरा क्लेम्ड इंश्योरेंस कंपेंसेशन। हेल्ड, जब भी हेल्ड चालू हुए मतलब फैसला सुनाना चालू हो गया, तो कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया जब मैटर कोर्ट तक गया, तो हेल्ड क्या डिसीजन लिया गया, इंश्योरेंस कंपनी वॉज नॉट लायबल टू हिम। इंश्योरेंस कंपनी उसको कंपेंसेशन का पैसा देने के लिए लायबल नहीं है। क्यों? एज नो शेयर होल्डर हैज एनी राइट टू एनी आइटम ऑफ प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द कंपनी, क्योंकि अब वो टिम्बर का मालिक कंपनी है, मकोरा नहीं है। एंड फॉर ही हैज नो लीगल और इक्विटेबल इंटरेस्ट इन देम। तो वो जो बोलने की कोशिश कर रहा था कि भैया 999 शेयर तो मेरे पास ही है ना, क्या फर्क पड़ता है मैं अपने नाम पे कराऊं कि कंपनी के नाम पे इंश्योरेंस, नहीं हो सकता। कंपनी की बैलेंस शीट अलग है, मकोरा की बैलेंस शीट अलग है, आप ये काम नहीं कर सकते। तो यहां पे कौन सा फीचर निकल के आया, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सेम केस आपको देगा, बस प्रोडक्ट हो सकता है दूसरा डाल दे, तो आपको वहां पे रेफरेंस देना चाहिए, द फैक्ट्स ऑफ द केस आर सिमिलर टू मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इन विच इट वॉज हेल्ड दैट इंश्योरेंस कंपनी वॉज नॉट लायबल टू पे एनी कंपेंसेशन फॉर द फोर्सेड अमाउंट। अगला कैरेक्टरिस्टिक परपेचुअल सक्सेशन, तो इस पे सिंपल सा ही सवाल रहेगा, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो, कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, रिफ्लेक्ट्स विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी, इलेबरेट। तीन नंबर, मेंबर्स में डाई और चेंज बट द कंपनी गोज ऑन टिल इट इज वाउंड अप। वाउंड अप मतलब बंद होना, लिक्विडेट होना एक तरीके से, ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड बाय द एक्ट। और वाउंड अप भी कब होगी, उसके भी पूरे प्रोसीजर तरीके दिए हुए एक्ट में, कि कंपनी बनने के तरीके दिए हैं तो कंपनी को खत्म करने के तरीके भी दिए एक्ट में, तो आपको उसी तरीके से कंपनी खत्म करनी है। ऐसा नहीं अपनी मर्जी से काम करना छोड़ दिए तो लगा कि कंपनी बंद हो गई, वो सोल प्रोप्राइटर में होता है, कंपनी में नहीं होता ऐसा। द शेयर्स ऑफ कंपनी मे चेंज हैंड्स इनफाइनाइटली, शेयर्स बदलते रहेंगे। मैंने कंपनी बनाई, मैंने शेयर आपको बेचा, आपने दूसरे को बेचा, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे, वो बदलते रहेंगे, कंपनी का एग्जिस्टेंस अलग चलता रहेगा, कंपनी की लाइफ चलती रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंस अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ अलोन कैन ब्रिंग एन एंड टू इट्स लाइफ। तो जिसने उसे बनाया है वही उसे खत्म कर सकता है। कंपनी को बनाने वाला कौन है, लॉ, तो कंपनी को खत्म करने वाला भी कौन है, लॉ ही अकेला है। इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ और इनसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर्स। तो मेंबर की डेथ हो जाए, जैसे मैंने बताया सातों के सातों की डेथ भी हो गई तो भी कंपनी खत्म नहीं हुई, कंपनी चालू थी, कंपनी का स्टेटस एक्टिव था। तीसरा, लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी पे हम फिर दोबारा आएंगे, इसलिए अभी बस आप सिंपल समझिए, लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब कंपनी वेयर लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड, इस पे दोबारा आएंगे। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, अब आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल क्यों, बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ। इट इज अ लीगल और जुडिशियल पर्सन क्यों, बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। तो दोनों बात को जस्टिफाई कर दिया, आर्टिफिशियल क्यों, क्योंकि नेचुरल नहीं है, और लीगल क्यों, क्योंकि लीगल का मतलब कानून, तो कानून ने बनाया इसलिए वो एक लीगल पर्सन है। इट इज अ पर्सन सिंस इट इज क्लॉथ विद ऑल द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, और उसे पर्सन क्यों माना, क्योंकि उसके पास वो सारे अधिकार है जो एक इंडिविजुअल के पास रहते हैं।
फर्दर द कंपनी बींग अ सेपरेट लीगल एंटिटी कैन ओन प्रॉपर्टी, हैव बैंक अकाउंट, रेज लोन्स, इनकर लाइबिलिटीज, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिपीट कर रहा है, इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी, अक्वायर राइट अगेंस्ट इट, इनकर लाइबिलिटी टू इट, ये सेम चीजें रिपीट कर रहा है. इट कैन स्यू एंड बी स्यूड इन इट्स ओन नेम, मतलब कंपनी भी किसी के खिलाफ केस कर सकती है और कोई दूसरा व्यक्ति भी कंपनी के खिलाफ कंपनी के नाम से केस कर सकता है. यानी आज रिलायंस ने कोई गड़बड़ी की होगी तो उसके जो क्रेडिटर्स है वो रिलायंस पे केस करेंगे, ना कि उसके मालिकों पे, कि सबको, पूरे मालिकों को केस कर दिया. पता किया रिलायंस के कितने कितने शेयर होल्डर हैं, तो 100,000 शेयर होल्डर थे, पूरे 100,000 शेयर होल्डर को नोटिस भेज दिया कि भैया तुम लोग मालिक हो ना, ये तुम्हारी कंपनी है, पैसा लाओ हमारा. तो क्या ये पूरे उन शेयर होल्डर्स को नोटिस दिया जा सकता है? द आंसर इज नो. यू हैव टू सू कंपनी एंड नॉट इट्स शेयर होल्डर्स बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. इट कैन डू एवरीथिंग विच एनी नेचुरल पर्सन कैन डू एक्सेप्ट बी सेंड टू जेल. कंपनी को जेल में कैसे डालोगे? टेक एन ओथ. आमतौर पर इंडिविजुअल तो कसम खाता है ना, कंपनी से कसम कैसे खिलवाओगे? मैरी रिलायंस इन्फोसिस और प्रैक्टिस अ लर्नेड प्रोफेशन. यहां पे आप लोग तो बैठे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए, अब टाटा भी आ जाता है, यार हमें भी सीए की डिग्री चाहिए, सीए टाटा लिखना चाहते हैं ताकि लोग ऐसा बोलें कि सीए टाटा है, तो ऐसा हो सकता है क्या? तो रतन टाटा सीए बन सकता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस सीए नहीं बन सकती. तो वो डॉक्टर बनना चाहता है इंफोसिस, बन सकता है क्या? नहीं बन सकता. तो दे कैन नॉट बी अ लर्नेड प्रोफेशन, उनको कोई डिग्री नहीं दी जा सकती, इसलिए कोई सीए भी कंपनी बना के काम नहीं कर सकता, ना कोई कंपनी सीए बन सकती है. करेक्ट. तो जो नाम है बस उस हिसाब से, आपकी कंपनी की कोई डिग्री नहीं होती, कोई प्रोफेशनल डिग्री कंपनी नहीं रख सकती. इट इज अ हेंस इट इज अ लीगल पर्सन इन इट्स ओन सेंस, मतलब एक लिमिटेड पर्पस के लिए वो पर्सन है. तो बेसिक चीजों को छोड़ के वो ज्यादातर काम जो इंडिविजुअल करता है वो कंपनी भी कर सकती है. एज अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी का कामकाज कैसे होगा? तो कोई तो होगा कंपनी के बिहाफ में जो काम करे. कौन करता है काम? तो जो कंपनी के बिहाफ में काम करते हैं उन्हें बोला जाता है डायरेक्टर्स. अब सवाल यह है, कंपनी आमतौर पे मेरे बिहाफ में कोई काम करे तो मैं उसको अपना एजेंट बोलता हूं ना. कंपनी का एजेंट कौन होगा? उसके डायरेक्टर्स की उसके शेयर होल्डर्स? उसके डायरेक्टर्स. शेयर होल्डर तो मालिक है, लेकिन उसके डायरेक्टर्स कंपनी के एजेंट की तरह काम करते हैं. तो अब सवाल है, एक शेयर होल्डर वो तो मालिक होता है, तो मालिक तो अपने एजेंट को हुक्म दे ही सकता है. तो शेयर होल्डर गया डायरेक्टर, बोला ए ऐसा ऐसा कर, डायरेक्टर क्या बोल रहे हैं? किसका एजेंट हूं मैं? कंपनी का. और हुक्म कौन चला रहा है? तू, तेरी बात क्यों मानूंगा मैं? आई एम नॉट लायबल, मैं तेरी बात नहीं मान सकता, मैं तेरा एजेंट नहीं हूं, मैं कंपनी का एजेंट हूं. क्यों बोल रहा है वो ऐसा? क्योंकि अगेन बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. तो कंपनी जो है इट एक्ट्स थ्रू सम ह्यूमन एजेंसी, और वो ह्यूमन एजेंसी कौन है? उसके डायरेक्टर्स. द डायरेक्टर्स कैन नॉट कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड एक्ट एज इट्स एजेंसी. डायरेक्टर अक्सर वही काम करेंगे जो कंपनी बोलती है. अब वो एक और बात है कि कंपनी में अक्सर वही काम होता है जो उसके शेयर होल्डर बोलते हैं, दैट इज ऑल्टोगेदर अ डिफरेंट थिंग. पर वो हुकुम चलाने वाली बात नहीं चल सकती कि शेयर होल्डर के एजेंट नहीं है. अब शेयर होल्डर का एजेंट होने का मतलब क्या होता है? कि मान लो कंपनी का तो एजेंट है, कंपनी क्या काम करती है? टीवी बेचने का काम करती है. अब कंपनी के मान लो 20 शेयर होल्डर है, अब वो 20 शेयर होल्डर भी अपना अपना कुछ काम करते होंगे ना. तो एक का मोबाइल का काम है, एक का कपड़े का काम है. तो अब जो उस कंपनी के डायरेक्टर थे वो कंपनी का कामकाज तो करेंगे, लेकिन शेयर होल्डर एक जो था वो बोलता है एक काम कर यार, मेरा कपड़ा जो है ना वो बिलासपुर छोड़ के आ जा, वहां पे बिलासपुर में कपड़े बेच के आ जा मेरे. तो डायरेक्टर क्या बोलेगा? मैं कंपनी का एजेंट हूं, तुम्हारा पर्सनल एजेंट नहीं हूं. मीनिंग दरबार, तो शेयर होल्डर्स के एजेंट नहीं है आप कंपनी के एजेंट है. आप वही काम करेंगे जो कंपनी के लिए हो, पर्सनल काम के लिए डायरेक्टर जिम्मेदार नहीं होते. They act as its agency, but they are not the agents of members of the company. They मतलब किसकी बात कर रहा है? Directors. The directors can either on their own or through the common seal of the company authenticate its formal act. यानी कोई भी चीज, अब director भी तो इंसान है और वो कोई भी paper में sign कर देगा तो ऐसा मतलब मान लेंगे कंपनी ने किया. तो आमतौर पर उनके पास ये powers हैं,
पर जो पावर्स हैं वो जो भी काम करेंगे, अब ये काम कंपनी के बिहाफ में किया गया है ये कैसे पता चलेगा? थ्रू देयर सिग्नेचर्स। तो वो आमतौर पे पेपर में साइन करेंगे और उसके बाद कंपनी का सील रहेगा, तो कंपनी उसके लिए लायबल रहेगी, अदरवाइज कंपनी लायबल नहीं रहेगी उन कामों के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे अब रिलायंस ने 1 लाख तो उसके मालिक हैं, वो छोड़ो 10,000 लोग उसके नौकरी करते हैं, सबको नौकरी पे रखा, तो इवन एम्प्लॉयमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, महीना खत्म होगा सबको सैलरी देना है, तो डायरेक्टर ने वो 10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, किसको अपॉइंट करना किसको नहीं करना रिलायंस में काम करने के लिए, वो तो डायरेक्टर्स ने सेलेक्ट किया होगा, तो डायरेक्टर ने अपॉइंटमेंट दिया कि ये सीए हमारे यहां काम करेंगे, ये सीएस काम करेंगे, ऐसे 10,000 लोगों को नौकरियां दी, किसी की 10,000 महीना सैलरी, किसी का 25,000, किसी का 1 लाख रुपए महीना सैलरी, महीना खत्म हो गया। अब वो पूरे के पूरे 10,000 वर्कर अपनी सैलरी मांगने आए, रिलायंस के पास उस वक्त पैसा नहीं था। अब वो कॉन्ट्रैक्ट में दस्तखत तो किसने किया था? मिस्टर एक्स, डायरेक्टर ऑफ रिलायंस। तो वो सारे के सारे 10,000 मिस्टर एक्स के पास आके, ला भाई सैलरी ला। मिस्टर एक्स बोलेगा मैं किस बात की सैलरी दूं? बोले तूने ही साइन करके हमें अपॉइंट किया था, तूने ही हमें रिलायंस में अपॉइंट किया था, रिलायंस नहीं दे पा रहे पैसा, तू देगा पैसा, क्योंकि ये देख कॉन्ट्रैक्ट में तेरे दस्तखत है, तो मतलब तेरे और हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ला पूरे हम 10,000 एम्प्लॉयज की सैलरी निकाल, नहीं करेगा केस कर देंगे तेरे खिलाफ। तो बोले कर लो, अगर ये केस कर भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों? क्योंकि ये जो दस्तखत है ये मिस्टर एक्स के नहीं है। बोले क्या मजाक कर रहा है, तेरे ही दस्तखत है ये, तू ही किया था। बोले मतलब ये डायरेक्टर मिस्टर एक्स के हैं, मिस्टर एक्स के नहीं है। बोले मतलब कि मैं कंपनी के बिहाफ में साइन किया हूं, ये मेरा पर्सनल साइन नहीं है, दिस ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, मैं तो एजेंट हूं, तो जिम्मेदार कौन है? कंपनी है, कल को जो भी लीगल एक्शन लेना है कंपनी के खिलाफ लो, मेरे पास मत आओ सैलरी के लिए। तो मीनिंग देयर बाय ये उसका बेनिफिट भी है ना, देख पेपर में कॉमन सील लगा हुआ है, दो डायरेक्टर के दस्तखत है, तो वो पर्सनली लायबल नहीं है, कंपनी अलग डायरेक्टर अलग, ये तो एजेंट है उसके, उनसे पैसा नहीं डिमांड कर सकते आप, और कल को लीगल एक्शन लोगे जज तुम पे केस ठोक देगा उल्टा। तो ये चीज ध्यान रखने की है। दस कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, और लास्ट है उसका कॉमन सील, सिंपल सा है, देखिए अ कंपनी बींग एन आर्टिफिशियल पर्सन इज नॉट बेस्टोड विद अ बॉडी ऑफ नेचुरल बींग, देयरफॉर इट वर्क्स थ्रू एजेंसी ऑफ ह्यूमन बींग, कॉमन सील इज ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। तो हालांकि ऑप्शनल है बट आप लिखने में लिख सकते हैं कि कॉमन सील क्या है, कंपनी का सिग्नेचर का रिप्लेसमेंट है, विच इज ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी विच इज अफिक्स्ड बाय द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी ऑन इट्स एवरी डॉक्यूमेंट। जिस पेपर में कॉमन सील नहीं होगा वो कभी नहीं माना जा सकता कि कंपनी ने वो चीज को अप्रूव किया है। द कॉमन सील इज अ सील यूज्ड बाय कॉर्पोरेशन एज सिंबल ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, एग्जिस्ट करते हैं उसके लिए, यूज सालों से यूज किया जाता आ रहा है, करेक्ट। फिर जो बोल्ड में लिखा हुआ है ये वही चेंज है, 2013 कंपनी एक्ट 2013 आने के बाद भी कॉमन सील कंपलसरी था, लेकिन फिर 2015 में ये कैरेक्टरिस्टिक को मैंडेटरी से वॉलेंट्री कर दिया, यानी ऑप्शनल कर दिया। देखिए द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 हैज मेड कॉमन सील ऑप्शनल, ऑप्शनल मतलब मर्जी पे, By omitting the word and a common seal from section 9, आएंगे इस पे, section पर भी गौर मत करिएगा, so as to provide an alternative mode of authorization for companies who opt not to have common seal. क्यों? फिर देखने लगा यहाँ पे कॉमन सील का रेलिवेंस भी क्या है, 100 रुपए में कोई भी जाके कंपनी की सील बना के लगा के चला जाएगा तो कैसे पता चलेगा, तो इसलिए बोला ये चीज को ऑप्शनली कर दो, इसका आपको ये रेलिवेंस आज की तारीख में रह नहीं गया, हम ऑनलाइन जमाने में आ चुके हैं, वो ट्रेडिशनल जमाना खत्म हो गया। रेशनल फॉर दिस अमेंडमेंट इज दैट, अब ये रीजन दिया, रेशनल मतलब लॉजिक, क्यों कॉमन सील को ऑप्शनल किया, लोगों को क्या बताया गवर्नमेंट ने ऑप्शनल करने की वजह, तो वजह बताई गवर्नमेंट ने दैट कॉमन सील इज सीन एज अ रेलिक ऑफ मेडिवल टाइम, पुराने जमाने की बात है भाई, कॉमन सील बंद करो उसको, ऑप्शनल कर दो, ऐसा बोला। रियलिटी क्या है, इवन इन यूके, कई बार अपनी बात खुद ही बता देते हैं, इवन इन यूके कॉमन सील हैज बीन मेड ऑप्शनल सिंस 2006। दिस अमेंडमेंट प्रोवाइड्स अ डॉक्यूमेंट विच नीड, तो सवाल है फिर अब कैसे पता लगाएं कि कौन सा पेपर कंपनी का है और कौन सा पेपर कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसके लिए भी तरीका बताया गया, दैट डॉक्यूमेंट विच नीड्स टू बी ऑथेंटिकेटेड बाय कॉमन सील विल बी रिक्वायर्ड टू बी सो डन ओनली If the company opts to have a common seal, and in case company does not have a common seal, highlight कर लीजिएगा, authorization shall be made by two directors. तो आप कोई भी पेपर में एक डायरेक्टर के साइन से नहीं चलेगा, दो डायरेक्टर के दस्तखत होना,
तो कम से कम दो डायरेक्टर के दस्तखत होंगे तो ही माना जाएगा ये पेपर कंपनी ने अप्रूव किया। और या फिर भाई दो सारी कंपनियों के डायरेक्टर इतने फ्री थोड़ी रहते होंगे, और अगर हर पेपर में दो डायरेक्टर के साइन होगा तो मतलब कंपनी में तो तब तक काम नहीं हो पाएगा जब तक वो दोनों डायरेक्टर मौजूद ना हो। अब कोई विदेश गया हुआ एक आता है, दूसरा विदेश चला जाता है, दूसरा आता है पहला चला जाता है, वो दोनों का टाइमिंग ही मैच नहीं होता तो मतलब कंपनी में फिर काम कैसे होगा। तो इसलिए बोला कि अगर दो डायरेक्टर के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा बड़ी बड़ी कंपनियों के केस में कि अगर दो डायरेक्टर एक साथ साइन नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है एक डायरेक्टर एंड अ कंपनी सेक्रेटरी ये दो भी साइन कर दें तो माना जाएगा ये पेपर किसके बिहाफ में साइन हुआ, कंपनी के बिहाफ में साइन हुआ है। वेयर द कंपनी हैज अपॉइंटेड अ कंपनी सेक्रेटरी, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो कंपनी सेक्रेटरी भी अपॉइंट करती है, तो कम से कम एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी का तो साइन होना ही चाहिए, तब माना जाएगा कि वो पेपर किसने एक्सेप्ट किया, वो पेपर कंपनी ने एक्सेप्ट किया है। यानी जो अब बेसिक्स है कंपनी का वो बेसिक्स कंपनी का बता दिया गया कि कंपनी के बनाने के फायदे क्या हैं, तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, स्लैब की क्लैप्स, क्लैप्स व्हाट इज क्लैप्स, कॉमन सील, लिमिटेड लायबिलिटी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी। अंडर विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी द लाइफ ऑफ कंपनी इज इनफाइनाइट, अंडर विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी कंपनी सेपरेट एंड देयर शेयरहोल्डर्स आर सेपरेट, अंडर विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी कंपनी कैन अक्वायर एसेट्स ऑन इट्स ओन नेम, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, अंडर विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी द विच इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी, कॉमन सील, करेक्ट। तो अब यानी कंपनी बनाने की खूबियां बता दी गई, तो अब आपके दोस्त को पूरा याद आ गया कि भैया ये बना डाल कंपनी, अपने को कंपनीज बनाना है, लिमिटेड लेवल, घर नहीं बिकेगा मतलब कंपनी बना। अब वो बोल दिया जिस चीज में मेरा घर नहीं बिकेगा वो चीज करनी है मेरे को, कंपनी बनाओ, बना देंगे उसकी कंपनी, बना देंगे, बनाएंगे क्या, नहीं बनाएंगे ना, क्यों, क्योंकि अब भैया तेरे को पहले ये बताना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी बनाए। बोल दिया बना दे कंपनी और आप भी चालू हो गए, हाँ बना देते, कौन सी कंपनी बनाओगे, क्या कंपनी एक आधी होती है, एक ही कंपनी होती है क्या, आज कंपनी अलग अलग प्रकार की होती है ना, तो पहले आप उसको बोलोगे कौन सी कंपनी, उसके सवाल का जवाब देने से पहले उससे सवाल करो, अगर वो सवाल करता जा रहा है और आप जवाब देते जा रहे हो तो आप प्रोफेशनल हो ही नहीं, या ना होना प्रोफेशनल, वो वाला कंपनी बना दे बोलते हाँ ठीक है बना देते, तो आप तो उसका उसका सवाल है जवाब आपका है, ऐसा नहीं होना, सवाल आपका होना चाहिए जवाब उसका, वो जैसे ही बोले कंपनी बना दे अच्छा कौन सी कंपनी बनाना है, अब जैसे ही आपने उससे पूछ लिया उसको पता नहीं ना, फिर उसकी बोलती बंद हो गई, जैसे पहले पूछा था कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस करेगा, फायदे क्या, तो आपने उसको कुछ फायदे बताए, फिर वो बोला कंपनी बना दो, तो उसी से पूछो अच्छा कौन सी कंपनी बनानी है, फिर मतलब इसमें भी प्रकार होते हैं क्या, तब फिर बताओ कि हाँ कंपनी में अलग अलग प्रकार होते हैं, तो बोले कौन सी बनाना चाहिए बताओ, तो वो भी तो आप ही सजेस्ट करोगे, तो बोले सुन आप तेरे को वो डिपेंड करता है कि तू किस तरीके से कंपनी को देखता है, कंपनी कौन सी होगी ये डिपेंड करता है कि तुमने किस तरीके से किस एंगल से कंपनी को देखना। बोले मतलब नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो यार, सीधे सीधे समझा कौन सी कंपनी बनानी है, तो बोले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देख, हाउ डू यू क्लासिफाई कंपनी, तो बोले कंपनी को क्लासिफाई करने के अलग अलग क्लासिफिकेशंस होते हैं, किस क्लासिफिकेशन के बेस पे आप बात कर रहे हो, करेक्ट, यानी आपने लड़के की खूबियां पूछी थी जब लड़का देखने गए थे, तो लड़के की खूबी पूछी पहले कि लड़का में क्या क्या क्वालिटीज हैं, वो क्वालिटी बताया गया, पर अब क्या क्वालिटी बताना है ये पहले डिपेंड करता है ना, आप किस तरीके का सवाल पूछ रहे हो, किस टाइप का लड़का चाहिए, पहले बताओ आपको बेस्ड ऑन एजुकेशन क्वालिटी जानना चाहते हो लड़के की, तो लड़का एम कॉम पास है या लड़का सीए फाइनल तक तो पहुंच ही गया है, करेक्ट, तो आप सीए भी बनी जाएगा, लड़का डॉक्टर है, तो यानी एजुकेशन के बेस पे देखना चाहते हो लड़के को, तो लड़के का एजुकेशन सीए है, अगर लड़के की क्वालिटी बेस्ड ऑन उसका व्यवहार कैसा है लोगों के सामने, बातचीत करने में कैसा है, तो वो क्वालिटी लड़के की बेस्ड ऑन हिज टॉकिंग स्किल्स रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स रहेगा। अगर आप लड़के को देखना चाहते हैं कि वो कामकाज क्या करता है, मतलब सीए अभी अभी बना है कि कुछ काम करता है कि जॉब करता है, तो बेस्ड ऑन वर्किंग उसका लड़के का फीचर अलग होगा, लड़का सच बोलता है कि झूठ बोलता है, यानी उसका नेचर क्या, उसके हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन अलग होगा, पर लड़का तो एक ही था ना, कि लड़के भी अलग अलग हो गए थे, लड़का तो एक ही था ना जिसकी खूबी बताई, पर खूबी किस तरीके से पूछी जा रही थी उस तरीके से देख के जवाब दिया जा रहा था। ठीक उसी प्रकार से कंपनी एक ही होती है,
लेकिन आप जिस तरीके से कंपनी को देखना चाहो उसमें कंपनी के अलग अलग प्रकार निकल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी डिपेंड करता है कि आप कंपनी को किस तरीके से क्लासिफाई करके जानना चाहते हो। तू भैया कंपनी को मेंबर्स के आधार पर जानना चाहता है तो कंपनी अलग अलग प्रकार की होती है। तू कंपनी को लाइबिलिटी के आधार पर जानना चाहता है तो कंपनी अलग अलग प्रकार की होती है। तू कंपनी को ओनरशिप के हिसाब से देखना चाहता है तो कंपनी अलग अलग प्रकार की होती है। यानी तू किस तरीके से देखना चाहता है यह समझा पहले मेरे को, तो मैं तेरे को बताऊंगा उसमें कंपनियां कितने प्रकार की होती है। तो बोले यार मेरे को तो ऐसा पता नहीं है, तू ही समझा दे। तो बोले देख, सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यानी पहली कंपनियां बनती है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बोले ये क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन के आधार पे कंपनियां कितने टाइप की होती है? तो बोले इनकॉर्पोरेशन के आधार पे कंपनियां दो प्रकार की हो सकती है। बोले कौन से दो प्रकार की कंपनी? एक होती है स्टैट्यूटरी कंपनी और एक होती है रजिस्टर्ड कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनीज दो प्रकार की होती है, एक होती है स्टैट्यूटरी कंपनी और एक होती है रजिस्टर्ड कंपनी। तो बोले स्टैट्यूटरी कंपनी का मतलब क्या? तो स्टैट्यूटरी कंपनी मतलब आज ये जितनी भी हैं, LIC क्या है? एक स्टैट्यूटरी कंपनी। RBI क्या है? एक स्टैट्यूटरी कंपनी। SBI क्या है? एक स्टैट्यूटरी कंपनी। ICAI क्या? एक स्टैट्यूटरी कंपनी। तो आज ऐसी कई कंपनियां हैं जिनके लिए खुद के अपने कानून, स्टैट्यूट मतलब ही क्या, लॉ। तो आज कंट्री में कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके खुद के कानून बने हुए हैं और वो कंपनियां उन्हीं कानून में बनी हुई है। ऑन द बेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन। तो तुम्हारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कहां हुआ है? क्या उसके लिए अगर तुम्हारी कंपनी का खुद का अपना कानून है तो वो एक स्टैट्यूटरी कंपनी, और अगर खुद का कानून नहीं है तो वो सारी कंपनियां कहां रजिस्टर्ड है? फिर वो रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 में। कंपनीज एक्ट 2013 एक कॉमन कानून है जिसमें कोई भी कंपनी बनती है तो रजिस्टर होती है। लेकिन आज SBI बना तो क्या वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हुआ होगा? द आंसर इज नो, वो तो SBI एक्ट में रजिस्टर्ड हुआ। आज RBI बना तो क्या वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हुआ? वो RBI एक्ट में रजिस्टर्ड हुआ। तो इसका मतलब आज जितनी भी कंपनियां हैं अगर कंपनियों के लिए उनका खुद का कानून रहता है तो वो सब स्टैट्यूटरी कंपनी, स्टैट्यूट लॉ के अंदर बनाई गई कंपनी। और कई कंपनियां ऐसी हैं जैसे एक्स प्राइवेट लिमिटेड, क्या इसका कोई खुद का कानून है क्या? नहीं। वाई लिमिटेड, क्या उसका खुद का कानून है? रिलायंस, इंफोसिस, टाटा, क्या उनका खुद का कानून है? नहीं। तो वो सब कौन है? वो सब रजिस्टर्ड कंपनी। तो व्हाट इज मीन बाय स्टैट्यूटरी कंपनी? सो कंपनी क्रिएटेड अंडर अ स्पेशल स्टैट्यूट। अब वो कानून चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया हो उससे फर्क नहीं पड़ता। वो कानून बनाने वाला मतलब चाहे वो कानून पार्लियामेंट में बनाओ चाहे स्टेट लेजिस्लेचर में, स्टेट गवर्नमेंट कंपनी भी तो होती है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। लाइक छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये तो छत्तीसगढ़ की कंपनी है ना, ये महाराष्ट्र में थोड़ी बनी होगी। छत्तीसगढ़ का कामकाज करती है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का, तो इट्स अ स्टेट गवर्नमेंट कंपनी। तो इसलिए कंपनियां सेंटर भी बनाती है, कंपनियां स्टेट भी बनाती है, उससे फर्क नहीं पड़ता, है तो दोनों गवर्नमेंट ही। तो जिन कंपनीज विच आर क्रिएटेड अंडर स्पेशल स्टैट्यूट, और ये स्टैट्यूट बनाने वाला कौन है? फ्रेम्ड आइदर बाय पार्लियामेंट और बाय स्टेट लेजिस्लेचर। तो जिनको बनाने वाला या तो पार्लियामेंट था या स्टेट लेजिस्लेचर था, ऐसी कंपनियों को बोला जाता है स्टैट्यूटरी कंपनी। तो कोई इसका एग्जांपल, LIC एक स्टैट्यूटरी कंपनी अंडर LIC एक्ट, RBI एक स्टैट्यूटरी कंपनी अंडर RBI एक्ट, UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये क्या है, क्या काम करता है UTI? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जैसे
रिलायंस म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, एक्सिस म्यूचुअल फंड है, ये सब क्या है? ये प्राइवेट कंपनियों के म्यूचुअल फंड है जो म्यूचुअल फंड का काम करते हैं। यूटीआई क्या है? गवर्नमेंट का म्यूचुअल फंड है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। जैसे कंपनी में शेयर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड में क्या होती है? यूनिट्स होती हैं। तो यूटीआई के क्या है? म्यूचुअल फंड है, वो अपनी यूनिट्स देता है, इसलिए यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एटसेट्रा। ऐसी कई कंपनियां अनगिनत जिनको गवर्नमेंट ने अलग से कानून देके बनाया है, ऐसी सारी कंपनियों को बोला जाता है स्टेट्यूटरी कंपनी। अच्छा तो इन पे कंपनीज एक्ट लगेगा, हाँ या ना? अभी भी किसी के मन में डाउट है कि कंपनीज एक्ट इन पे एप्लीकेबल है कि नहीं? किन मामलों पे इन पे कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा? इनकंसिस्टेंसी पे। तो यानी लिख लेते हैं, कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल इफ नॉट इनकंसिस्टेंट विथ स्पेशल एक्ट। अब स्पेशल एक्ट कौन सा? इनका खुद का, और कंपनीज एक्ट एक जनरल एक्ट। तो इन पे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा इफ इट इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद द स्पेशल एक्ट। लेकिन जहां इनकंसिस्टेंसी हुई, स्पेशल एक्ट विल ओवरराइड कंपनीज एक्ट। तो बोले ऐसी कंपनी होती है स्टेट्यूटरी कंपनी। तो बता तेरे को क्या स्टेट्यूटरी कंपनी बनानी है क्या? बोलेगा भाई मेरे लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कानून क्यों बनाएगी, मैं एक कंपनी बनाना चाहता हूं। तो बोले नहीं, पूछ रहा हूं तेरा अगर मन हो तो, अगर तेरे को स्टेट्यूटरी कंपनी बनाना। बोले नहीं 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 स्टेट्यूटरी नहीं बनती मेरी। तो बोले तो फिर कौन सी कंपनी होगी? फिर तो मेरी दूसरी दिख रही है, रजिस्टर्ड कंपनी ही बनेगी मेरी। तो यानी रजिस्टर्ड कंपनी क्या? तो जो कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है उन कंपनियों को बोलते हैं, उन कंपनियों को बोलते हैं रजिस्टर्ड कंपनी। यानी रजिस्टर्ड कंपनी मतलब कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो रजिस्टर्ड कंपनी किसको बोलते हैं? रजिस्टर्ड कंपनी मींस कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। बोले हाँ मेरे को वही करना है, 2 सबसेक्शन 20 में मेरी कंपनी को रजिस्टर करो, मैं वैसी वाली कंपनी बनाना चाहता हूं। तो रजिस्टर्ड कंपनी मींस कंपनी फॉर्म्ड। बाकी जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी कंपनियां इंडिया में काम करी है, चैप्टर 3 में जितनी भी कंपनियां लगभग आपने पढ़ी वो सब क्या है? सब रजिस्टर्ड कंपनी। भारतीय एयरटेल अरजिस्टर्ड कंपनी, बीपीसीएल एक गवर्नमेंट कंपनी आ गई, करेक्ट, बट अरजिस्टर्ड कंपनी। तो ऐसी जितनी भी कंपनियां हैं वो सब रजिस्टर्ड है 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो इसका मतलब कंपनी क्या है, इसका जवाब भी 2 सबसेक्शन 20 से मिलता होगा। सेक्शन 1 हमें एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट बताता है, और सेक्शन 2 कोई भी एक्ट का उसका डेफिनेशन बताता है, इस एक्ट में यूज होने वाले वर्ड्स, और वो रहता उसी सीक्वेंस में जैसे डिक्शनरी रहता है। तो अल्फाबेटिकल सीक्वेंस। तो जो कंपनी है, सबसे पहली बात, कंपनी ही डिफाइंड कहां है? तो एक्ट के अंदर कंपनी स्टार्टिंग विथ लेटर सी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो 2 सबसेक्शन 20 नथिंग बट डेफिनेशन ऑफ कंपनी। तो रजिस्टर्ड कंपनी मतलब वही कंपनी जो 2 सबसेक्शन 20 के अंदर रजिस्टर्ड है, बात खत्म। तो अब सवाल ये उठा 220 क्या है, व्हाट इज मेंट बाय सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। तो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 कंपनी का मतलब क्या होता है? तो कंपनी का मतलब होता है, कंपनी मींस अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। लो, कंपनी का मतलब क्या होता है? तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ने इस सवाल का जवाब दिया, और उसमें क्या बताया? कंपनी का मतलब क्या? कंपनी मींस अ कंपनी फॉर्म्ड
एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। और ये एक्ट आया ही कब? 2013। तो इसका मतलब आज लोग बोलते हैं मैं 100 साल पुरानी कंपनी हूं, 200 साल पुरानी कंपनी हूं, 1806 की कंपनी हूं, कौन मानेगा उनकी बात? ये तो पूरा धज्जिया उड़ा दिया। इसमें क्या लिखा? कंपनी का मतलब कंपनी फाउंड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। और दिस एक्ट का मतलब क्या है? ये तो कंपनी एक्ट 2013 हो गया, तो इसका मतलब सिर्फ जो 2013 में बनी है वही कंपनी होती है? नहीं, पुराने भी तो होंगे, उनका क्या हुआ? उनका तो कोई जिक्र नहीं है। तो अगर आपने एग्जाम में सिर्फ ये लिखा कंपनी मीन्स कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, जीरो, क्योंकि इस डेफिनेशन में आपने रेमंड सिंस 1925 को खत्म कर दिया, सबको सिंस 2013 करवा दिया। रिलायंस कभी नहीं बोलेगा मेरे को 50 साल हो गए, वो भी 2013 की कंपनी हो जाएगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सबकी सीनियोरिटी खत्म। तो इसलिए दिस शुड नॉट बी द डेफिनेशन, इसमें कमी है। तो करेक्ट डेफिनेशन क्या है? करेक्ट डेफिनेशन कंपनी मीन्स कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अब देखिए डेफिनेशन में अचानक से बदलाव। अब ये डेफिनेशन पढ़ के जितनी भी कंपनियां हैं उनको रिलैक्सेशन मिला होगा। पहले जब डेफिनेशन दिया तो गवर्नमेंट ने ये दो लाइन ही छाप दी। अब ये दो लाइन जैसी छापी बाकी सारी कंट्रियों की कंपनियों की तो धड़कनें बढ़ गई। भैया हमारा क्या हुआ? फिर हमारी सीनियोरिटी खत्म हो जाएगी, सब 2013 में आ जाएंगे, तो कौन बड़ा कौन छोटा, कौन सीनियर कौन जूनियर, सब खत्म हो जाएगा, ऐसा मत करो। तो फिर ये एक लाइन जुड़वाई और इस एक लाइन से क्या हुआ? वापस से वो सारी सीनियोरिटी आ गई। और इसका दूसरा मतलब कि जो 1956, जो 1913, जो 1882, जिसमें भी रजिस्टर्ड हो, उन्हें 2013 में दोबारा रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली 2 सबसेक्शन 20 की डेफिनेशन में कंपनी मान लिए गए। तो एज पर 220, अब ये एक ऐसी डेफिनेशन, कोई भी क्वेश्चन हो इसकी शुरुआत आप कर सकते हैं। कॉमन लाइन डेफिनेशन ऑफ कंपनी, कंपनी मीन्स कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। टू बी कंटिन्यूड।